ना बिल्लू टूट मोड़ बोल गया मैं डर गया बोल अब मैं गाल में जैसे कि हे गाइस गुड मॉर्निंग माय नेम इज फरदीन रॉय और आप देख रहे हो मेरा व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टेड। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस व्लॉग में जो हमारे मेरठ सिटी के अंदर जो लोकेशन है वो हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो उस लोकेशन पर कोई जाता नहीं है। उसकी वजह क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ, मगर उससे पहले जो काम करने के हैं वो कर लेता हूँ, लेजी पना हटा लेता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने अपना बेड जो है अच्छी तरह से नहीं किया है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं अभी सिर्फ सो के उठा हूँ, और सो के उठते ही हमारे हाथ में आ चुका है मोबाइल, तो ये जल्दी आ जाता है, ये नहीं लगनी चाहिए, धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो हम पहले कर लेते हैं अपना बेड ठीक ठाक। तो गाइज हमने जैसा कि पूरा फ्रेश किया, यानी कि हमारा रूम जो है अच्छी तरह फ्रेश हो चुका है, मगर हमारी हालत नहीं हुई है फ्रेश। हम वो कर लेते हैं, सबसे पहले अपना नहाने चलते हैं, नहाने के बाद जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, ये गंदी आदत है धीरे धीरे छूटेगी, देखो एकदम तो छूटेगी नहीं। 10:30 बज चुके हैं और ये काफ़ी टाइम है, 10:30 बजे मैं सो के उठ रहा हूँ, कितना बस मैं क्या बताऊँ। तो अब हम चलते हैं सबसे नीचे, यानी कि देखो आप कमेंट ये मत करना कि आप खुद क्यों करते हो, आपकी भाभी बहन या मम्मी नहीं है, तो सब हैं, ऐसी बात नहीं है। सिस्टर की शादी हो चुकी है तो वो अपने घर हैं, मम्मी जो है नीचे हैं, उन्हें ऊपर आना पड़ता है, इसलिए उनसे मैं काम नहीं कराता, मैं अपने कमरे का खुद ही काम करता हूँ, ठीक है ना। और उसके बारे में हम आपको आगे लोग बताएंगे, तो चलते हैं नीचे। और मामा ने पूरा मेकअप का सामान ले लिया, पूरा मेकअप किट ले लिए। चलो गाइस चलते हैं बाहर। तो गाइस अनमाइन वेट कर रहे हैं हमारा गाड़ी में, और ये जुनैद पागल जल्दी खोल के बोल दे यार। तो गाइस सफाई हो रही है, अब इस टाइम पे सफाई कर रहे हैं। अरे बदतमीज आदमी है, जब अंदर गाड़ी साफ करके नहीं लगाए। ओए 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 मिनटे बच्चा देख रहा है, देखो उदास हो गया। जा रहे हैं बाबू हम ऊपर चढ़ना है, आगे बैठा था मैं, बैठूंगा इससे पूछे जरा, आगे बैठा था मैं, बैठूंगा। चलो अमन भाई, तो अब मैंने इसे पीछे बिठा दिया बंदर को, आगे अच्छे नहीं लगता ये। अब चलो अमन भाई जल्दी से गोल लगा, गोल से है आगे, भूख लग रही है, घर से भूख आया बिल्कुल। घर से भूख लगती रहती है, और अस्सलाम वालेकुम, सलाम ले लो। हमारा भाई कैंटीन पे गया सामान लेने अंदर की साइड, अब वो सामान ले लेता है, बाकी हम चलते हैं। आज का मौसम बड़ा सुहाना है, तो गाइस हमने सामान भी ले लिया। इन्होंने सामान लेने में कम से कम 20 से 30 मिनट लगाई है, उसके बाद 20 से 30 मिनट के अंदर ना पूरी दुकान खरीद लेता मैं, मगर कोई नहीं। अब इन्होंने क्या क्या लिया है देख लो, हम सीधा अपने लोकेशन पे नहीं, उससे पहले थोड़ी सी शूट करेंगे आज के मौसम की, क्योंकि आज का मौसम बड़ा सुहाना है, इसलिए हमें थोड़ी सी शूट करनी है रस्ते की, उसके बाद अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं। लोकेशन गगोल से आगे है, गाँव से कभी गगोल पहुँच जाओ तो लोकेशन अभी आपको भी नहीं पता सही से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता सही से, हमको बोल के बाद जाएंगे फिर आपको बता देंगे। इधर को जाना, इंडिकेटर ध्यान ना दिया। गाँव में घुस चुके हैं, इसका तो नाम पता नहीं, मगर ये गगोल से पहले पड़ता है। इस गाँव का नाम मुझे भी पता नहीं है, मुझे पता क्या है तो आप बता रहे हो, गगोल कोटरा, तो इसका नाम है ओठड़ा।
चलो तो अब नेक्स्ट में जाना है हमें, उसमें गगोल में जाना है, उसके बाद लोकेशन आएगी वो। हम गगोल में घुस चुके हैं दूसरे गांव में, अब हम दूसरे गांव में एंटर कर चुके हैं, मगर यहां का रोड जो है बहुत खस्ता है। यहाँ का रोड काफी बेकार है और हमारी गाड़ी जो है छोटी है आज, क्योंकि बड़ी नहीं लाए हैं हम, छोटी गाड़ी लाए हैं साथ, यहाँ का रोड बन रहा होगा। कोई नहीं, अब हम जाएंगे अपने लोकेशन पे, जा ही रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे कैसा ना कैसा आज। तो अमन भाई थोड़ी ठीक ठाक गाड़ी चलाओ। चलो तो एक लोकेशन पे तो हम पहुंच चुके हैं, वो झील वाली और पानी वाली लोकेशन है ना, उस लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं, और जो सेकंड लोकेशन है उस पर पहुंचेंगे, मगर यहाँ पर जो है ना ये झील का है, तो हमें इसका रास्ता देखना है भाई, ये रोक लो साइड में, क्योंकि हमें वहाँ जाना है कैसे करके। अब यहाँ का रास्ता कहाँ से देखें, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल चल ले भाई उतर के। यहाँ की लोकेशन काफ़ी, यानी कि अपने गांव के याद आगे से देख के देखो कितना प्यारा नज़ारा है, आज के व्यू भी अच्छा है। तो फाइनली यहाँ पे भी पहुँच चुके हैं, अब हम लैंड पे तार चल रहे हैं, क्योंकि डोले डोले चलना होता है गांव में, क्योंकि फसल भी आ रखी बो रखी है, ठीक नहीं रहता फसल पे चलना, तो हम डोले डोले चल रहे हैं। ये हमारी लोकेशन है। अमन भाई मज़ा आ रहा है? नहीं, गाँव में यार याद आ जाए, वैसे गाँव में याद आ जाए उसकी, अपने गाँव की याद आ गई, बैड बक्सर की, गाँव की सेटिंग तुम्हारे गांव की सेटिंग है जिनात की, तुम्हारे गांव की सेटिंग है, मेरे इस गांव की सेटिंग है, यार तुम्हारे गांव वाले मारेंगे बहुत, कहीं गांव वालों की सेटिंग मत बता करो भाई, क्योंकि सही नहीं है गांव में। नहीं, इसकी तो भाई सच में है गांव में, वो भी बहुत गांव है, बहुत सिटी स्पेशल है। तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक प्यारी चीज देखने के लिए मिली है, वो क्या है आप देख ही सकते हो, व्हाइट व्हाइट, और ये क्या चीज है, मेंढक नहीं, बड़े प्यारे लग रहे हैं ये देखो, हम जब भागेंगे इसके पास कुत्ते उड़ेंगे, देख लियो। तो जैसे ही मैं भागा ये सब उड़ गई हैं, मुझे वीडियो में लेना था। अब जो बीच में पेड़ है वहाँ पे कैसा जाया जाए ठहर के। तो हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे हैं, पहुँच गए हैं, अब थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और आगे का प्लान क्या। साथ वहाँ पे कसम से हाँ। अभी पता लग जाएगा, चल देख। तो गाइस यहाँ पर हमें एक सांप देखने को मिला, क्योंकि हम शूट कर रहे थे, लोकेशन पे गया था उस पर, भाई मैंने यहाँ आके जाता मुझे सांप से ज्यादा डर लगा। जस्ट चौक गांव में ठीक नहीं है, तू फसल पे चल रहा यार, साइड में चल। तो सांप यार मुझे इस जगह ज्यादा गंद ले भाई, मैंने जा रहा व्लॉग के लिए, रिक्स लेना पड़ेगा है कसम यार। नहीं कसम से है, ये तो मछली लग रही है, अबे नहीं यहाँ से गया भाई, मेरे सामने तो भाई गया, अब यहाँ तक तो नहीं गया, अब यहाँ से नू बता भाई, यहीं दिखाता भाई, यहाँ बैठा गाइस। यहाँ पे हमारा जो शूट वूट, यानी कि जो रिकॉर्डिंग करनी थी, वीडियोस रील्स बनानी थी, वो तो हमने बना लिया, अब हम चलने की तैयारी कर लिए हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है यहाँ का जो, यहाँ तो देखो हम कभी भी आके शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांदना रोशनी रहती है, मगर यहाँ पे हम लोकेशन एक इधर से पल्ली साइड है, वहाँ पर रोशनी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ है ज़्यादा, इसलिए तो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। मैं कुछ चीज़ रह गई होगी ना, देख लियो, सुपर बना दूंगा। नहीं कैमरा की फसल यार साइड में चल रहा है, वो तो भाई ठीक है तुम्हारी यार, तुम गंदे आदमी हो, किसी की फसल पर नहीं मैं पोटी कर रखी किसी ने खुले में, मैं ये कह रहा था भाई साहब कुछ सामान है तो नहीं गया, ये काफी अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए, इनका मैंने क्लिक किया फोटो भी, बाकी देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसका, बहुत अच्छा है, यहाँ की लोकेशन बहुत प्यारी है यार।
हम अपनी कार में बैठ चुके हैं। देखो गांव के लोग जो होते हैं ना ऐसे देखते हैं, यानी कि इतने सारे देख सीधे तो होते हैं मगर देखते हैं ना वो ऐसा, तो हमें ऐसा लगता है कि अजीब वो करी देख रहे हैं, यानी कि गांव के लोग अच्छे होते हैं। नहीं वो चीज़ें देखते हैं बढ़ाने की बात नहीं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते ना, वो तो गाँव खेती में रहते हैं, इसलिए अब हमें इधर को जाना है जल्दी से। तो जैसे ही हम इस लोकेशन पे पहुँचे तो यहाँ पर हमें मोहर देखने के लिए मिले और हम उन्हें कैप्चर करना चाह रहे हैं, मगर साथ की जो साथी है ना, तो अगर एक साथ जाएंगे तो उड़ जाएंगे, इसलिए हम रुक रुक के जा रहे हैं। तो आवाज़ भी ज़्यादा हो रही थी रोड की, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो मोहर आपको दिखाई दे रहा है सामने, वो मोहर थे वहाँ पर, तो और जैसे ही हम गए वहाँ से देखते हैं आगे के सीन में क्या होता है, तो देखते रहिए। अभी तो यहीं पे थे, कहाँ गए? तो गाइस हम वो कहाँ गए वो इतने तेज जाम है ये तेज नहीं आते हैं ये बड़े हो गए बे ओले ना भाई वो तो गाइस मैं बहुत दूर आ गया हूँ पर मुझे अभी तक मोड़ नहीं दिखे, शायद वो भग गए, पता नहीं कहाँ गए। देख लो गाइस मेरी चैन आज रह गई है ना लगाने की, तो चैन फेल हो रही है, इन्हें फिल्म बना रखी है मेरी, जब चैन नहीं लग रही है तो क्या करूं, फेल हो रही है बार बार फोटो खेल, बटन लगाओ ना, बटन लगा बड़ा बटन टूट गया, तो बटन के चक्कर में तो ये हो रहा है, फोटो निकालन दे, नहीं मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं इस जंगल तुम्हारे ऊपर दे दूंगा, अब मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ले फोटो ले यार जल्दी से, पिक्सल हो गए हो तो तो गाइस काफी मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना, आस पड़ोसी सब में हम इसको शूट करने वाले हैं। ये पेड़ की लोकेशन पिक्सल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वजह सिर्फ यही है पिक्सल नहीं आने की, क्योंकि धूप बहुत कम है इस वजह से पिक्सल कम नहीं आ रहे। अमन भाई यहाँ को आ जाओ यार, ये बड़े परेशान करते हैं, पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, देखो कहाँ पे फोटो शूट हो रहा है इनका, आ रहे नहीं आ रहे तुम ये बताओ, आ जा तुझे यहीं पे दूंगा लात घूं से, यहाँ पे अब हमारा फोटो शूट होगा। हमें रास्ते में एक चीज मिली है, इसे हटा दे भाई, बम बम ना आए जल्दी हटा दे, देखो ये महत्व उसका काय का काम करते हुए हल्के है ये महत्वपूर्ण, तो गाइस थोड़ा सा हम भी काम कर लेते हैं, इन्हें साइड में कर देते हैं क्योंकि रोड क्रॉस करना हो,
ये गत्ते गए हैं यार, किसी के काम के हैं। कोई नहीं, तो हमने महत्वपूर्ण का काम कर लिया है, उसके लिए लाइक कर देना। बाकी अब लोकेशन हमारी यहाँ की रहेगी रोड की, अब हम खुले रोड पे पहुँच देंगे और फोटो शूट कराएंगे गाड़ी पे। ये आ गया रोड वाला, इसके रोड पे किताब नहीं है। तो गाइस जिनका सामान गिरा था वो भैया आ गए, अपना सामान लेके जा रहे हैं। देख लीजिए ये रहा इनका सामान गिरा था, अब ये लेने भी आ गए। कोई बात नहीं, अब हमारे फोटो शूट हो रहे हैं। अमन भाई यार कितने फोटो लोगे बताओ, कितने अमन भाई के भी इतने फोटो हो गए हैं, मेरे फोटो नहीं खींचन दे रहे हैं, क्या करूं बताओ। नहीं फोटो खिंचवाने का मैं आया हूं इस फोटो का, और ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, ये दोनों नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्हें मना है, मना तो इन्हें भी है मगर नहीं। हाँ भाई भाई मेरे फोटो ले रहा नहीं ले रहा, तो ये पैक पकड़िए भाई, ये बता फोटो ले रहा नहीं ले रहा मेरा। बैठ ही तो रहा हूँ यार, खेच दे। यहाँ से शाम हो गई है क्योंकि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये गांव है और गांव का माहौल जो रहता है ना थोड़ा सा हटके रहता है, इसलिए हम यहाँ से सवेरा निकलने हैं टाइम से। और जो सूट रह गया है वो अपनी कॉलोनी में कर लेंगे। बाकी मन भाई का इनका सबके फोटो खींच गए, इसने भी खिंचवाया लास्ट में, इतना आराम ही है, मना करते करते फोटो खिंचवा लिए। अब हम चल रहे हैं, एक फोटो नहीं खिंचवाया भाई तूने, खिंचवाया तो याद है बच्चों दी ना पहले कर तूने काम का। यार एक बात तो बताओ, मैं खिंचवाना आया था, आया था फोटो खिंचवाने में, और तुमने सारे मेरा खेच मेरा खेच मेरा खेच, ऐसा नहीं होया करता, ऐसा नहीं होया करता, मेरा मूड खराब ना करो। उड़ जाएगा कोई पीछे से बाइक वाला, यहाँ से कोई बाइक वाला उड़ जाएगा तो कार की यहाँ से बनेगी। तो ये लोकेशन हमें देखने में अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे एक दो शूट ले लेते हैं या नहीं, क्योंकि बैक करके जब देखेंगे। तो भाई अपनी सेफ्टी करके चलनी चाहिए, क्योंकि जब अमन भाई ड्राइविंग कर रहे थे तो अमन भाई ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखे थे। तो भाई कमेंट कर देना कि सीट बेल्ट लगानी जरूरी है, मैंने इसे सजेशन भी दी थी, मैंने भाई सीट बेल्ट लगा ले, मगर इसने लगाई नहीं भाई। तो कोई नहीं, अब घर पे चलेंगे और थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे घर का ब्लॉग, बस थोड़ा सा ही, क्योंकि बाकी बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, इतना लंबे की सोची नहीं थी मैंने, सोचा था आठ मिनट या हद से 12 मिनट बस, मगर ये पता नहीं कितने मिनट का हो गया। तो कोई नहीं, आगे के जो ब्लॉग आएंगे वो शॉर्ट आएंगे, तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। तो गाइस रास्ते में हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इनके साथ फोटो शूट कराना, मगर अब हो चुका है मगरिब का टाइम और टाइम निकल गया है। कोई नहीं, इसमें एक तो मन दिख है, सबसे आगे मन चल रहा मोटा, हम गांव में घुस चुके हैं, गोल से दूसरा गांव जा रहे हैं, हमें रास्ते में क्या करें, कोई भी मिल जाता है रिश्तेदार तो उनसे मिलना पड़ता है, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो अमन के रिश्तेदार थे, अमन भाई के रिश्तेदार ही तो थे। अबे जब हम वहाँ जा रहे थे ना, कहाँ पे जा रहे थे पर हम रुके हैं कहाँ पर, कोलू पर। कोलू पर क्या लेना है, अगर गुड़ मिलता है गुड़, वरना गन्ने। चलो भाई चलो, तुम चलो ना, तुम चलो भाई सब, तुम चलो आगे। नहीं भाई साहब हम चल रहे हैं, अंकल से पूछते हैं। चलो अंकल, अंकल गुड़ आएगा नहीं है भैया, गन्ने मिल जाएंगे, गन्ने पड़े, गन्ने तो बचे रहे हैं, तो 20 रुपए का मैं गन्ने दे दो बस। हाँ 20 के बहुत है, हमसे चपते ना है, जल्दी ले ले 20 रुपए दे भाई साहब, निकाल लाओ गन्ने तुम, तुम दे दो मीठे से, हमें तो देखने नहीं आते, मैंने तोड़ कर। हम 5 हैं, एक गन्ने फालतू दे दो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, ए पाम 5 जने है ना, तो 5 गन्ने लेंगे उसमें से, निकाल ले 5 गन्ने भैया, किसमें से गए इन्होंने, किसमें से निकाल ले भैया, ये हैं बीच के, ये वाले मोटे, ये हैं 5 गन्ने लेने हैं, अमन ताकत दिखा ले लिया, ये तो ज्यादा लंबा निकल रहा, इतना लंबा बड़ा मेरा भाई देख ले, तुझसे बड़ा ही अब भी मेरा देख। तो यहाँ पे गोबर भी पड़ा है, साइड में कर ले गोबर से, क्योंकि गन्ने बड़े नहीं दिख रहे यार।
तो मन भाई की फटते हुए चलिए भैया से पूछ लिए भाई एक्स्ट्रा देने हो तो दे देंगे एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा नहीं देना कुछ नहीं पता भैया फिल्म करते हैं हमारे साथ वो कहने लगे भैया क्या कर रहे हो तुम हमें लूट के ले आ रहे हो जल्दी जल्दी भैया को लूट लिया 20 रुपए में इतने सारे गन्ने ले लिए मिल लेंगे ना शहर में 20 रुपए का एक ही गन्ना दे मैं समझ रहा चोर 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 भैया इन गन्ने चुरा लिए गाइस गन्ने चुरा के लाए बहुत सारा ये बिल्कुल निठल्ले चोर है ना ये गाड़ी में बैठे थे चोर इन्हें दिए मत ना भाई तुझे चोर कह रहे गन्ने मत दिए इन्हें पहले रस्सी से बांध ले इन्हें घर ही खाएंगे कितना प्यारा हो रहा है और इस पे से नीला नीला इसमें फोटो शूट करेंगे बाद में गन्ने भरे जा रहे हैं हमारा नाम लगाएंगे फिर नु चुरा लिए कार में रख लिए हमारे गाड़ी में गन्ने नहीं आ रहे हम भूखम खासी कर रहे हैं कोई भी तो भाई क्या गन्ना रहे बात तो पता कार में नहीं आ रहे हैं तो देखो गाइस अंदर की हालत क्या कर दिया हमने गाड़ी के अंदर हमने काफी ऐसे कर दिया टेढ़े मेढ़े करके अब अमन भाई यहाँ बैठेंगे चलो जल्दी से बैठो अमन भाई गन्ने खाने लग गए जल्दी बैठ वो भी आ गए भेड़ बकरी भी यहाँ पर आ चुकी है जो हम पीछे छोड़ के आए थे देख लो रुकने की वजह से बैग ले जा रहे हैं परवीन भाई इन्होंने कट छोड़ दिया पीछे वैगनर आ रही है पीछे ट्रक भी आ रहा है बस 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 कमाल में तेरे बाप को मत सिखा पहला गेट ये खुला था मगर ये बंद हो गया अपने सेकंड गेट पे चलते हैं पानी सोसाइटी के सड़क बंद है ना इसलिए और इधर को दिखाइए जरा घेर की साइड को तो गाइस इन गन्नों ने हमारी ऐसी तैसी मार दी पूरे रास्ते में घेर में टकबाजी करते हुए हैं गन्ने ले तो लिए मगर जान को आफत आ गई अब दूसरे गेट पे हम घुस चुके हैं ये हमारी जो है ना यहाँ की सड़क बंद है अभी सोसाइटी की तो गाइस फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं घर पहुंचते ही हमें जो काम थे नहीं मगर घर आते काम बता दिए गए क्योंकि पापा का थोड़ा सा काम था तो वो करना बहुत ज़रूरी था पहले वो काम किया उसके बाद अब हम फाइनली वीडियो अपलोडिंग कर रहे हैं और लगे हुए हैं किसान भाई हैं जुनेद भाई हैं हमें तो हम इस व्लॉग को ज़्यादा आगे अच्छा बनाना चाहते थे मगर जितना अच्छा हो पाया है आपके सामने है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और अगर कुछ चीज़ पसंद नहीं आई है तो उसे कमेंट में बता देना उसे हम सुधारेंगे दूसरी बात सपोर्ट कहाँ है सपोर्ट नहीं मिलेगी तो बताओ कहाँ से इतने व्लॉग लाएंगे लेकिन हमें व्लॉगिंग करनी पड़ेगी चीज़ तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है तो सपोर्ट दिखाओ लाइक कमेंट शेयर और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड्स अगर में शेयर कर देना फोन किसका आ गया कोई नहीं हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड तब तक के लिए हाँ।